नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपकी बात में आपका स्वागत है। एमपी अजब है, एमपी गजब है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां अब निक्कर पर सियासी टक्कर हो रही है। दरअसल खंडवा में चुनावी सभा में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि जब वीडी शर्मा निक्कर पहनते थे तब वो सांसद थे और अब इस बात पर सियासी घमासान मच गया है। वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए इस बयान को आरएसएस से जोड़ दिया और कह दिया कि इसी निक्कर ने उस परिवार को साफ कर दिया जिसकी कमलनाथ दरबारी करते थे। तो वहीं सांडों की नसबंदी के आदेश पर भी यहां सियासी घमासान मच गया। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा और संस्कृति बचाओ मंच भी विरोध में आ गए। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर गौवंश पर अत्याचार का आरोप लगा दिया। हालांकि विरोध के बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया, लेकिन एमपी में उपचुनाव के बीच गौवंश और निक्कर पर सियासी घमासान तेज हो गया है। और अब इसी सियासी घमासान और निक्कर पॉलिटिक्स पर जो इस समय मध्य प्रदेश में चल रही है, इसी पर लेकर वार पलटवार और वीडी शर्मा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्या कुछ कहा वीडी शर्मा ने, सुनिए। वीडी शर्मा, जब इसने निक्कर पहननी सीखी नहीं थी तब तो मैं सांसद था और ये मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं। ये अब मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं 15 महीनों का। आइए बीजेपी के नेताओं, आप इस जनता को मूर्ख मत बनाइए, अपने 16.5 साल का हिसाब दीजिए। देखिए, कमलनाथ जी जैसे लोग रहे हैं, मैं नहीं कहना चाहता, आज मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है, जहां पर वो दरबारी थे जिस परिवार के, वो सब परिवार को भी इसी निक्कर ने इस देश के अंदर उस विचार नहीं खत्म कर दिया जो गांधी जी कह गए थे कि कांग्रेस को खत्म करना चाहिए, जो नेहरू जी ने कहा था कि मैं जनसंघ को खत्म कर दूंगा, तब भी मैंने कहा था, कमलनाथ जी ने कहा था कि भाजपा का संगठन मेरे टारगेट पर है। मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिसके दिमाग में ये विचार आया है उस विचार को जरूर हम समाप्त कर देंगे और आज समाप्त हो रहा है। कांग्रेस इस देश के अंदर समाप्त हो रही है, अस्तित्व खो रही है। और वहीं अब सज्जन सिंह वर्मा और चंद्रशेखर का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखो, तुम्हारी बातें ध्यान से न शिवराज सुनता है न नरेंद्र मोदी जी सुनते हैं। कभी आपको अपनी बात इस बीजेपी की सरकार से मनवाना हो तो सड़क पे आ जाओ, धूप में आ जाओ, हम बैठेंगे धूप में तुम्हारे साथ सारे लोग। हम साध्वी की बात की कद्र करते हैं, साध्वी की बात में दम लाने के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा। ये गूंगी बहरी सरकार है, तुम कितनी भारतीय जनता पार्टी की हिमायती बन जाओ तुम्हारी सुनेंगे नहीं। मुझे बताइए कारण, आप कह रहे हैं कि उम्र हो गई, ये कौन तय करेगा कि नंदी की उम्र कितनी हो गई है? और जिस प्रकार के फोटो आए हैं नगर निगम की नसबंदी करते हुए, संस्कृति बचाओ मंच है, देखिए संस्कृति बचाओ, हमारी संस्कृति ही हमारी धरोहर है, भारत की संस्कृति गोवंश से है, भारत की संस्कृति हमारे संस्कारों से है, और अगर हमारी संस्कृति को कोई आघात पहुंचाएगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नगर निगम के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। तो एक तरफ निक्कर वॉर और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो गौवंश को लेकर सांडों की नसबंदी, जिसका आदेश तो जारी किया गया लेकिन जब इसका विरोध देखा और खुद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इसका विरोध किया, संस्कृति बचाओ मंच ने इसका विरोध किया और उसके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कांग्रेस का समर्थन भी मिला, तो अब सरकार बैकफुट पर आई और अपने आदेश को वापस ले लिया। तो आज इन्हीं पर करेंगे चर्चा और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि 30 तारीख को होने वाले उपचुनाव के बीच आखिरकार मध्य प्रदेश में ये क्या कुछ हो रहा है। और हमारे साथ हमारा खास पैनल, खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हितेश वाजपेयी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है हितेश जी आपका। और सैयद जाफर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सैयद जाफर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और सबसे पहला सवाल मेरा, हमेशा की तरह मेरा
सवाल पहले बीजेपी से ही होगा, यानी कि हितेश जी से ही होगा। हितेश जी, एक एक करके, क्योंकि दो मुद्दे हैं मेरे पास, तो पहले बात मैं निक्कर पॉलिटिक्स की करूंगी, क्योंकि एक निक्कर के बयान, निक्कर वाले बयान को लेकर अब सियासत चरम पर है। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री ने कल निशाना साधते हुए वी डी शर्मा के लिए कहा था कि जब वो निक्कर पहनते थे मैं सांसद था, तो आज पलटवार भी देखा गया है वी डी शर्मा का, और कहा कि उसी निक्कर ने सफाया कर दिया कांग्रेस का। देखिए चंदा जी, मैंने बहुत अच्छे से इसका साइको एनालिसिस किया कि ये सब घटनाएं क्यों हो रही है। तो देखिए, राजनीतिक रूप से कमलनाथ जी को ये समझना होगा कि उनकी उम्र कुछ भी हो, आप कह दो कि साहब हितेश वाजपेयी तो एक तिहाई उम्र का है, कह सकते हैं आप, उसको तो अभी पहले ही नहीं हुआ था जब मैं सांसद हो गया था, ऐसा वैसा। लेकिन साहब, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और श्री विष्णुदत्त शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष एक दूसरे से बात करेंगे ना, तो उसमें नाराज होने की क्या जरूरत है भाई। ठीक है, आपकी पार्टी में 70-80 साल तक भी आप प्रदेश अध्यक्ष बने रहते हैं भाई, हमारे यहाँ हम युवाओं को अवसर देते हैं और विष्णुदत्त शर्मा जी की उम्र के लोग प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसमें क्या इतना नाराज क्यों होगा भाई। एक प्रदेश अध्यक्ष दूसरे प्रदेश अध्यक्ष के सामने कोई भी सवाल प्रस्तुत करता है तो उसके जवाब आपको देना पड़ेंगे। आप ये कहके उसका उपहास नहीं उड़ा सकते कि वो आपसे उम्र में बहुत छोटा है और बालिकाल से ही स्वयंसेवक है, तो स्वाभाविक है कि हम लोग तो, देखिए श्रद्धा जी, मैं भी स्वयंसेवक रहा हूँ और हम भी निक्कर पहनते थे और हमारा तो वर्षों तक मजाक उड़ाया गया इस बात को लेकर। लेकिन इन्हीं जिनका मजाक उड़ाया गया है, आज उन्होंने देश के राजनीतिक परिस्थिति को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि 17 राज्यों में सरकारें हैं और मजाक बन गया है तो कांग्रेस पार्टी का जो विपक्ष का नेता लाने लायक भी संख्या नहीं है जिसके पास, और ये उन्हीं कमलनाथ जी की पार्टी है जिनकी जवानी में उन्होंने मनुष्यों का नसबंदी करा दिया था, बधिया करा दिया था। ये आपका दूसरा सवाल है। आपको याद होगा संजय गांधी के परम मित्र हैं, इंदिरा जी के तीसरे पुत्र कहलाते हैं, तो संजय गांधी जी और कमलनाथ जी, ये लोग तो नसबंदी देश की करने निकले थे। तो आज जो देश की नसबंदी या हम कहें जबरन बधिया करने निकले थे, अचानक उनको वॉइस की कहां से। ठीक, आपकी बात से सहमत हूँ, इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल होगा हितेश जी, जो आपने अभी बधियाकरण की बात की है, इसलिए मैंने कहा मैं एक एक करके बात करूंगी। अब जरा पहले सैयद जाफर जुड़ चुके हैं, उनकी, उनसे भी मैं जानना चाहूंगी कि कमलनाथ इतने सीनियर लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ, एक बड़ा कद है उनका, उनको तो न्योता आता है केंद्र से, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो अपना कंपैरिजन करने लग गए और फिर वो ये बताने लग गए कि मैं सांसद था जब वो निक्कर पहनते थे। इस सब, ये सब बताने की जरूरत क्यों आन पड़ी। देखिए, इसमें सदा जी दो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक तो ये बात जी ने जो बी डी शर्मा जी के ऊपर निक्कर वाला बयान दिया है, वो कोई आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के संगठन का पर नहीं कहा है, ये उनका व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत उम्र और बी डी शर्मा जी की उम्र और अनुभव की बात पे कही है, कोई आरएसएस के ऊपर टीका टिप्पणी इस बयान पे नहीं की गई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बयान को आरएसएस या बीजेपी के संगठन से बिल्कुल ना जोड़ा जाए, एक बात। दूसरी बात ये कि जो ये बात लगातार कमलनाथ जी जैसे एक वरिष्ठ नेता के लिए बार बार बी डी शर्मा जी जैसे एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पद की गरिमा और उम्र के हिसाब से भी कई बार ऐसे बात कर देते हैं जो तथ्यहीन होती है। हमारा निवेदन यह है, कांग्रेस पार्टी का निवेदन यह है, कमलनाथ जी का आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पर आधारित बात करनी चाहिए, चुनाव के समय या चुनाव के बाद इन्हें बताना चाहिए कि जो हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, हम बचे हुए 5 लाख का जो नहीं कर पाए थे वो बीजेपी बताए कि कब करने वाली है। बीजेपी ये बताए कि जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, 35 लाख से अधिक रजिस्टर्ड हैं और अनरजिस्टर्ड लोग भी हैं, उनको रोजगार कब देगी। बीजेपी बताए कि वो संविदा कर्मचारी को नियमित कब करेगी। बीजेपी बताए कि वो किस प्रकार किसानों की बिजली जो हमने कम दामों पर दी थी उसको निरंतर कैसे कम दामों पर देगी। बीजेपी बताए कि आम जनता को जो बिजली 100 रुपए में मिलती थी आज वो 600-700 रुपए में मिल रही है,
वो कम कैसे करेगी। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए। तो अब मैं आता हूँ आपका जो दूसरा सवाल है नसबंदी को लेकर। अभी और सैयद जाफर जी, चलिए मैं आपकी जो चिंता थी कि आरएसएस से जोड़ा जा रहा है उसे, आरएसएस से पहले मैं सिर्फ इतना कहना बिल्कुल मैंने आपसे यही कहा कि उन्होंने जी, मेरा ये कहना है कि वो निक्कर वाला बयान अगर हम समझें तो वो ये था कि वो बहुत छोटे हुआ करते थे, जब मैं सांसद था तब वो बहुत छोटे थे, इससे ये समझ में आता है। खैर, लेकिन अगर हम वीडी शर्मा की बात करें तो अनुभव की बात है, वीडी शर्मा की बात करें तो उन्होंने इसको आरएसएस से जोड़ा, उन्होंने कहा इसी निक्कर ने पूरा सफाया कर दिया उसी दरबार का, ये वीडी शर्मा ने कहा है। खैर, आप खुद कह रहे हैं कि बात ये नहीं होनी चाहिए, बात मुद्दों पे होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और मुद्दे ही आधार होते हैं किसी भी चुनाव का। आप हितेश जी, हम बात कर रहे थे गौवंश की, आपने कहा कि भाई गौवंश को लेकर बधियाकरण, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ के बधियाकरण किया, नसबंदी कराई गई, और ये वो समय याद करें, बिल्कुल सही बात है। ये जब आदेश निकला तो शाम आते आते ऐसा क्या हो गया कि इसको निरस्त करना पड़ा और सरकार बैकफुट पर आ गई? नरेंद्र सलूजा ने कहा भी है कि जब शराब की खपत बढ़ाने की बात हुई, हमने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, तो सरकार बैकफुट पर आ गई शाम आते आते। सेम ऐसा अभी बधियाकरण नसबंदी पर भी हुआ, शाम आते आते सरकार बैकफुट पर आ गई। तो ये सरकार है या सर्कस, ये निशाना भी साधा है नरेंद्र सलूजा ने। देखिए श्रद्धा जी, मैं तो उनको उतने करीब से नहीं जानता, लेकिन जफर साहब को मैं बहुत करीब से जानता हूं, क्योंकि ये कमलनाथ जी के नाक के बाल भी हैं और मूलतः छिंदवाड़ा के भी हैं, तो इसलिए मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं जितनी मैं कमलनाथ जी की करता हूं। और मैं इसीलिए ये बात कहना चाहूँगा यहाँ पर, बहुत अच्छी बात इन्होंने रखी है कि देखिए दोनों पदेन प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मैं आपको गरिमा की बात करता हूं जिसको छेड़ा है जफर साहब ने। जफर साहब, अभी जैसे बात हुई थी, आपको ध्यान हो पेंडोरा बॉक्स के पेपर्स आए जिसमें ऑगस्टा वेस्टलैंड के लिए जो ब्राइबरी ली गई, दलाली की गई, उसमें जिक्र आया, और उसमें जो नाम है उसमें बकुलनाथ जी का भी नाम है, उनके बेटे हैं, वो जांच चल रही है उस विषय को लेके। तो हम लोग ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, भाई हमारे लिए पॉलिटिकल सब्जेक्ट है कि भाई कमलनाथ जी के घर में सोचो आप दलाली हो रही है। तो ऐसे ही चर्चा चलते चलते एक सुझाव आया कि हमको पूछना चाहिए कि ये बकुल दलाल कौन है, क्योंकि पंचनाइल ढूंढी जाती है, तो ना बकुल शब्द उनके पुत्र का नाम है, ना दलाल होना कोई ऐसी बहुत बड़ी बात है, दलाल स्ट्रीट है पूरी मुंबई में, आप समझते हैं साम्राज्य शब्द है। उसके बावजूद भी मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जफर साहब कमलनाथ जी को बताना ये आप कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग कल की बाइट निकाल के आप देख लेना श्रद्धा जी नहीं किया। तो वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि कमलनाथ जी के पद की और उम्र की गरिमा क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और इसलिए उन्होंने कभी नहीं बोला कि इतनी उम्र के ऐसे और फलन, बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं जफर साहब, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, और लेकिन हम परहेज रखना चाहते हैं। हमारा निवेदन यही है कि जहां एक और कम उम्र के लोगों को अपनी मर्यादा रखनी होती है, वहीं दूसरी ओर अधिक उम्र के लोगों को भी अपनी मर्यादा रखनी है। भाई आप मंच से निकर भाई आपकी और उनकी उम्र का फर्क है तो नेचुरली होगा, उसको इस प्रकार से बताने की क्या जरूरत है भाई कि आप ऐसे थे और वैसा था और फलाना था। ये तो अच्छा नहीं लगता है, ये तो निक्कर पॉलिटिक्स पर बात हो गई। वो शिक्षकों की बात करते मंच से, निक्कर कहां से आ गई? ठीक है, क्यों नहीं खेती की बात करते कर्ज माफी के बाद, उसमें निक्कर कहां से आ गई? वहां पर ये सब बातें कैसे आ गई? बड़ी अजीब बात है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि मुद्दों की क्यों नहीं बात की जाती है, विषय उनने फ्लोट किया है। ठीक है, हितेश जी, ये तो बात समझ में आ गई कि बात गरिमा की है, और चाहे बड़े हो या छोटे अपने उनको गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। अब बात में मेरा जो सवाल था वो ये था कि ये आदेश पारित होता है, आदेश आता है बधियाकरण का, शाम होते होते ऐसा क्या होता है कि उसको वापस ले लिया जाता है? खुद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इसका विरोध किया। बिल्कुल, दोनों आदेशों के बारे में मैं बता देता हूँ। पहली चीज जो आपने स्टरलाइजेशन की बात करी, तो एनिमल स्टरलाइजेशन का पूरा प्रोग्राम चलता है जिसको ब्रीड कंट्रोल प्रोग्राम बोलते हैं। हमारे भदभदा में भी इसका एक बहुत बड़ा सेंटर है इसका, उसके तहत पूरे देश भर में होता है, इसका बीजेपी कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है, वैज्ञानिक आधार पर होता है, जिसको नस्ल सुधार के लिए किया जाता है। आपने सुना होगा जो देशी गायें हैं और बैल हैं उनके नस्लों के सुधार के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, स्टरलाइजेशन किया जाता है, जिसमें हम बेहतर
ब्रीड को आगे आने का मौका देते हैं और जो कमज़ोर ब्रीड हैं या जो उम्रदराज ब्रीड आती हैं उसको हम कम करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक कुपोषित माँ कुपोषित बच्चे को पैदा करती है, और आपने सुना होगा मनुष्यों में भी इस बात को देखा होगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ इन लेंथ बता सकता हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं जाना चाहता। कुल मिला के विज्ञान का विषय ज़्यादा है, सियासत का कम है, नंबर एक। नंबर दो, जो आपने शराब को लेकर कहा, देखिए शराब को लेकर हमारी शराब नीति है और कमलनाथ जी के समय भी वही शराब नीति थी 15 महीने, आज भी वही है। लेकिन साथ साथ मैं बता दूं उस पूरी शराब नीति में एक भी कंडिका इस बात को लेकर नहीं है कि शराब का सेवन बढ़ाने के लिए कोई काम किया जाएगा या सोचा जाए, एक भी कंडिका नहीं है। तो जितने आदेश या जितना काम होना चाहिए एग्जीक्यूटिव द्वारा उस शराब नीति के तहत होना चाहिए। जफर भाई ने भी सरकार चलाई है, समझते हैं इस बात को, इसीलिए वो बेकार की बात है, यूजलेस बात है। कोई भी सरकार शराब का सेवन बढ़ाने के लिए, कोई भी सरकार आप बता दीजिए कोई काम करती है क्या? नहीं कर सकती है। और इसी प्रकार से स्टरलाइजेशन की बात जो होगी, जैसा आपने कहा, उसके लिए राजस्थान में भी वही है, छत्तीसगढ़ भी वही है, मध्य प्रदेश भी वही है। ये एक साइंस है, तो फिर शाम आते आते क्यों वो वैज्ञानिक है, साइंस इसका सियासत से कोई संबंध नहीं है। चलिए ये सवाल रहेगा, क्योंकि सैयद जाफर जी भी हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं मेरा, उनसे भी सवाल रहेगा। शाम का सैयद जी, हाँ सैयद जी, मेरे पास मैं आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। और श्रद्धा जी एक 10 सेकंड में यदि जवाब दे दूं तो, शाम आते आते तक 8 बजे बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के पोर्टल का क्या हो जाता है, उनके ट्विटर हैंडल का क्या हो जाता है, ये भी मेरी समझ में आज तक नहीं आया है। उसमें ऐसी बातें आ जाती हैं जो वाकई में शाम के ऊपर प्रश्न खड़ा करती हैं, तो आपके सवाल को जायज मानता हूँ। सैयद जी, नरेंद्र सलूजा ने कहा कि जब शराब की खपत बढ़ाने की बात हुई उसको लेकर बैठक हो रही थी, कांग्रेस ने इसका विरोध किया, तो शाम होते होते वापस ले लिया गया इसको, इस आदेश को, इस पूरी बात को। आज स्टेरलाइजेशन की हम बात करें, बधियाकरण की, तो इसको भी वापस ले लिया गया। तो क्या आप कांग्रेस को ये लगता है कि वो कांग्रेस अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा रही है और कांग्रेस जिस बात का विरोध करती है सरकार फौरन उस आदेश को अपना वापस लेती है? देखिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सरकार या विपक्ष, दोनों की बात करता हूं मैं, दोनों का दायित्व होता है जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करने का। मैं याद दिलाना चाहता हूं हितेश वाजपेयी जी को, जो इन्होंने इतिहास की बात की कि पुराने समय में भी नसबंदी कांग्रेस पार्टी ने लेकर आई थी और पकड़ पकड़ के नसबंदी कर रहे थे। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने दूरगामी सोच को दिखाते हुए 1977 जिस सन का मुझे याद नहीं है, लेकिन उस सन में उन्होंने नसबंदी के कार्यक्रम को लेके आया और युद्ध स्तर पर शुरू किया। अब मैं इन्हें चुनौती देता हूं कि अगर वो कांग्रेस पार्टी की जो नीति थी या कांग्रेस पार्टी की नीति खराब थी, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने पर नसबंदी के कार्यक्रम नहीं चलाए गए? क्यों रोक दिया गया? मुझे बोलने दीजिए। उसके बाद बहुत सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के आए, सरकार ने बंद कर दिया, बोले तो दीजिए। लगातार चलते रहे। उसके बाद पिछले 7 सालों से केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी, सॉरी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई दोबारा, तब भी वो नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, मुझे बोलने तो दीजिए। मुझे सेंटेंस तो पूरा करने दीजिए। लोगों को बर्खास्त कीजिए, सेंटेंस तो पूरा करने दीजिए। कैसी बात? अब मैं आता हूँ, गलत बोल रहे हैं। अब मैं सदा जी आता हूँ, पिछले 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में भी, उस समय भी नेशनल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये इस प्रकार के नसबंदी के कार्यक्रम महिलाओं और पुरुषों के लिए आए थे।
और उस कार्यक्रमों के ऐसे ही पत्र शासन के द्वारा निकाले गए थे, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने नेताओं ने पूरा हल्ला मचा दिया था कि कांग्रेस पार्टी पुराने इतिहास को लेकर आना चाहती है और नजबंदी कराना चाहती है। उस समय भी मुझे अच्छे से याद है, मैंने हितेश जी के साथ भी डिबेट किया था, मैंने रजनीश अग्रवाल जी के साथ भी डिबेट किया था और मैंने कहा कि आप पत्र का अवलोकन कीजिए, पत्र में कहीं भी कंपलसरी नहीं लिखा हुआ है। टारगेट के समय हमेशा, अभी कुछ दिन पहले यूपी में खाका भी तैयार हुआ, उसको लेकर भी जगह जगह डिबेट्स और उसमें कांग्रेस ने भी विरोध किया। तो जब कांग्रेस इसको पहले से करती आ रही है और कांग्रेस कह रही है बीजेपी विरोध करती है, जब बीजेपी ने ये किया तो फिर कांग्रेस किस बात का विरोध कर रही है? बड़ी घूमती हुई सी ये बात है। मैं रोकना इसलिए चाह रही हूं, मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि अभी हम गौवंश के बध्याकरण की बात कर रहे थे, वो इंसानों पे आ गई। अभी इस मामले को लेकर अभी कुछ भी नहीं है, तो अभी गौवंश का बध्याकरण, मेरा ये कहना था जो मैंने सवाल पूछा था। तो क्या विपक्ष से डरती है सरकार, विपक्ष के विरोध से डरती है, इसलिए बैकफुट पे आ जाती है रोज शाम को? सदा जी पूछा किससे आपने, मुझसे कि हितेश जी से? सैयद जी आपसे विवाद बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं आपसे पूछा है श्रद्धा जी, आपसे पूछ। अच्छा जी, देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अब सर आपकी बात आती है, हितेश जी का मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप पुनः, सॉरी मैं दोनों चीज पर जाता हूं ना, पत्रों पे उन्होंने मुझसे कहा, जो शराब की बात है मैं फिर इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस पत्र पर खपत बढ़ाने की बात की गई है कि कैसे मदिरा की खपत बढ़ाई जाएगी, उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। तो सरकार ऐसी चीजों की खपत बढ़ाना चाहती है, और खपत कहां बढ़ेगी? युवाओं में बढ़ेगी। खपत कहां बढ़ेगी? बेरोजगारों में बढ़ेगी। और उस खपत से मध्यप्रदेश की सरकार अपना राजस्व बढ़ाएगी और मध्यप्रदेश के युवाओं को नशे के ऊपर ढकेलेगी। दूसरा जो सरकार बहुत गलत कर रही है, अगर ऐसा है, मेरी पूरी बात सुनिएगा जाफर जी, अगर ऐसा है जिसका कांग्रेस ने यहाँ विरोध किया एमपी में, बहुत अच्छा लगा विरोध किया युवाओं के बारे में, दिखा दूंगा मैं आपको लेटर में, आपको जी, लेटर मेरे पास रखा हुआ है, के लिए सोच लेटर, रही है, ये बड़ी अच्छी में, बात है, इस लेटर में छत्तीसगढ़ की बात करो तो वहाँ होम डिलीवरी शुरू हो गई थी, तो वहां क्या वहां के युवा नहीं है? फिर ये सवाल उठता है क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी आखिर क्यों है? मध्य प्रदेश में कुछ और, जहां सरकार है वहां कुछ और, ये तो बात है। हितेश जी से मेरा सवाल रहेगा, बहुत देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। हितेश जी, आज शराब की खपत को लेकर जो उनका सवाल है, जो कांग्रेस का सवाल मध्य प्रदेश में है, मैं वो कहना पूछना चाहूंगी, सवाल अच्छा उत्तर आप देंगे कि खपत जो है वो बढ़ाने की अगर बैठक हो रही है, क्या जरूरत आन पड़ी कि खपत बढ़ाने की? क्योंकि मुझे लगता है अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो काफी हद तक चीजें ठीक। दूसरा बात बध्याकरण की भी हो रही है, मैं दोनों सवाल रख लेती हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे, मैं नहीं पूछ पाती हूँ। बध्याकरण की भी बात अगर हो रही है तो क्यों, अगर एक साइंस है समझ में आता है, लेकिन वो मैनेजमेंट ऐसा क्यों नहीं हो पाता? 12 लाख से ज्यादा सांड हैं जो तितर बितर हैं, जो घूम रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, मैं समझ रही हूं कि उससे दिक्कत होती है, लेकिन फिर एक मैनेजमेंट क्यों नहीं प्रॉपर होता? बार बार बातें की जाती हैं गौ प्रेम की, गौवंश की, गौवंश के प्रति मोहब्बत की, ये सब बातें होती हैं, क्यों नहीं जमीनी स्तर पर हमें चीजें दिखाई देती? श्रद्धा जी पहली चीज़ तो आपने बहुत अच्छे से कही कि कांग्रेस की एक डॉक्ट्रिन छत्तीसगढ़ के लिए, पंजाब के लिए अलग होती है, राजस्थान के लिए अलग होती है, चाहे वो शराब की बात हो चाहे वो गोवंश की बात हो, और वही चीज़ मध्य प्रदेश में आके बदल जाती है। आपने बहुत ठीक बात कही है, इसमें मैं सहमत हूँ बात के भाई, बल्कि उल्टा है। छत्तीसगढ़ में तो आपने वोट लिए कि आप शराबबंदी करेंगे, तो 2.5 साल हो गए ना शराबबंदी हुई ना सिंहदेव साहब की इच्छाओं की बंदी हुई, तो दोनों जारी हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस उसमें उलझी हुई है, हम लोग कई बार इसमें डिबेट कर चुके हैं। और देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, स्टरलाइजेशन इज अ साइंटिफिक प्रोसेस, मेरी तो इसमें बहुत गहन अध्ययन है। कभी आप आधा घंटे की चर्चा बुलाइएगा तो मैं गौवंश की संख्या, उनकी गुणवत्ता, कितना कॉम्पोनेंट हमारा उसमें विदेशी है, कितना देशी है, देशी में कौन कौन सी ब्रीड हैं जिसमें हमको उन्नत किस्में बनाने का काम चल रहा है, और सबसे ज़्यादा काम इसमें यदि हुआ है तो गुजरात में हुआ है। गुजरात में जो अमूल जैसे आंदोलन चले हैं, वहाँ पर जो गिर नस्ल है, आज गुजरात की गिर नस्ल पूरे अपने यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया से जाने वाली सभी गायों में सबसे महंगी दर से खरीदे जाने वाली विदेशी गाय हो गई है दूसरे मुल्कों के लिए। और उसका कारण यही हुआ कि गुजरात में बहुत ज़्यादा इनके नस्ल सुधार के काम
हुए हैं। तो ये पूरा वैज्ञानिक विषय है। हम चाहते हैं हमारी देश की गायों का, गौवंश की जो नस्ल है वो भी बेहतर बने, जो कालांतर में मुगलों के समय से आज तक लेकर जो गड़बड़ हुई है उसको सुधारना पड़ेगा ना अपने को। तो उस पे काम चल रहा है। केवल भारत माता की जय करने से काम नहीं चलेगा, भारत के जितने अंश हैं चलिए, यानी कि वो पूरा जो सिस्टम है और एक मैनेजमेंट होना चाहिए जमीनी स्तर पर, वो चल रहा है, वो एक है। मैं ये उम्मीद करूंगी हितेश जी कि आने वाले समय में जो काम चल रहा है वो हमें जमीन पर दिखाई दे, तो समझूंगी कि हितेश जी ने जो कहा था आपकी बात में वो सही थी। बहुत कम समय होगा मेरे पास, सैयद जी कुछ बात कहना चाह रहे हैं। सैयद जी रखिए अपनी बात। नहीं, मैं हितेश जी से ये जानना चाहता हूँ कि एक ही सवाल के दो जवाब क्यों दे रहे हैं वो। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम नस्ल ठीक करने के लिए नसबंदी कराना चाहते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि कुपोषित गौ माता ना हो इसलिए हम नस्ल सुधार करना चाहते हैं। अरे भाई, जब ऐसा है तो फिर आपने वापस क्यों ले लिया? इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मध्यप्रदेश सरकार के पास नीति स्पष्ट ही नहीं है, और वो जनता को ये समझा ही नहीं पा रही है कि रास्ता कौन सा सही है, नसबंदी करने वाला कि नसबंदी नहीं करने वाला। अभी थोड़ी सियासत तो और चलेगी, मुझे माफ कीजिएगा, समय इजाजत नहीं दे रहा है। हितेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सैयद जाफर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और फिलहाल आपकी बात में इतना ही, बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।